प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में इस मॉनसून में आफत की बारिश हुई। मंगलवार रात को हुई बारिश के कारण काट गोदाम क्षेत्र में देवनाला उफान पर आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें नाले के किनारे खड़ी कारें भी बहने लगी। पुलिस प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज पानी के बहाव में नाले को पार करने का रिस्क ले रहे। आपको बता दें कि 5 दिन पहले इसी नाले में एक युवक की बहकर मौत हुई थी। हमारे जो नैनीताल का जो पर्वतीय भूभाग यहाँ से शुरू होता है, उसमें रैपिड रेन की दशा में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन जाती है। तो जो हमारे रपटे हैं, नाले हैं, वो कई बार बहुत त्वरित अल्प समय में ही उनमें बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको लेकर आपने देखा भी होगा कि सभी रपटों पे सिंचाई विभाग द्वारा वार्निंग बोर्ड्स भी ऑलरेडी वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग उनकी अनदेखी करते हुए बड़े हुए पानी में उतर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हम लोगों ने कुछ जगहों पर रेलिंग्स लगाई हैं, आगे भी इसको दिखवा रहे हैं। जहां पर भी आवश्यकता होगी रेलिंग्स लगाई जाएंगी, साथ ही जो चेतावनी बोर्ड हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे।